3 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे में हुए भ्रष्टाचार का मामला उजागर। एक साल पहले हुआ था, खूब हुए हंगामे के बाद प्रदेश सरकार ने नई जांच कमेटी बनाई। कमेटी ने 3 महीने पहले मुख्यमंत्री और विभागीय मंत्री को रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन आज तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि रिपोर्ट का अध्ययन जारी है। एक्सप्रेसवे का जायजा लिया संवाददाता सत्या राजपूत ने। एक्सप्रेसवे के नाम पे जनता के 325 करोड़ को कैसे मिट्टी में मिलाया गया, इसका आज हम आपको नजारा दिखाते हैं। इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं शंकर नगर के एक्सप्रेसवे में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिपेयरिंग का कार्य शुरू हो गया है। और 300 करोड़ के जो ये घोटाला का मामला जब उजागर हुआ, तो सरकार इसमें और सरकार के जो मंत्री विधायक है जमकर विरोध किया। उसके बाद इसमें जांच टीम गठित की गई। जांच टीम रिपोर्ट आने के बाद अब तक खुलासा नहीं हुए है कि इसमें गड़बड़ी क्या हुआ है, ना इसमें किसी भी प्रकार की बड़ी कार्रवाई हुई है। तो इस तरह के जो मामले हैं सीधा सीधा सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। अगर एक्सप्रेस वे है तो 5 इंच का डामर का लेयर होना चाहिए। तो मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, ये 2 इंच का ही है, मतलब 3 इंच का यहाँ भी घोटाला है। और यहाँ पे आप सीधी देख सकते हैं कि ये जो WBM हुआ है उसका स्थिति में हम आपको दिखाते हैं कि ये कितना मजबूत हुआ है। ये कागज का मोड़ा हुआ वो है और इसे हम इसे निकाल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कहीं भी कोई बड़ा पत्थर दिखाई नहीं दे रहा है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं किस तरह देखते हैं इस मामले को आप। हमारे छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा भ्रष्टाचार, एक छोटा सा राज्य जिसको अच्छे से चलाया जा सकता है, यहाँ पे हर धन संपदा है, जंगल है, हर चीज है, उसके बाद यदि यहाँ के अधिकारियों को कमी पड़ रही है तो ये रेती गिट्टी में वो खा जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर जांच रिपोर्ट सौंपी गई है और अध्ययन जारी है, तो ये इन बीच में ये रिपेयरिंग कैसे हो रहा है और किसी पे कार्रवाई ना होना सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करता है। कैमरामैन श्याम के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस। कमलनाथ सरकार के निर्देश अब रंग